आज हम सीखेंगे कि वोल्ट मीटर का अल्पतमांक कैसे फाइंड करते हैं। तो हमारे पास एक वोल्ट मीटर है, यहाँ पर एक वोल्ट मीटर है, इसमें अर्जित है 0 से 2 वोल्ट 3 वोल्ट तक, और यहाँ पर एक वोल्ट मीटर है, इसमें है 0 से 5 वोल्ट जिसमें कि 1 वोल्ट भी है। तो 0 से 1 वोल्ट इनके बीच जितना खाना है उसको हम गिन लेते हैं पहले। तो यहाँ जब खाना गिनेंगे तो खाना ऐसे है 0 और 1, इनके बीच खाना है 10। अब 10 खाना हो गया इनके बीच तो 1 वोल्ट है, तो हम यहाँ लिखेंगे 10 भाग में 1 वोल्ट है। तो 1 भाग में कितना वोल्ट होगा? तो 1 भाग में 1/10 यानी कि 0.1 वोल्ट हो गया, अर्थात ये अल्पतमांक हो गया वोल्ट मीटर का। इस वोल्ट मीटर का अल्पतमांक 0.1 वोल्ट है। इसका मतलब क्या हुआ प्रैक्टिकली तरीके से समझे तो यहां पर ये जो हमारी सुई है, अगर 0 से सिर्फ 1 खाना आगे बढ़ जाए, कितनी खाना, 1 खाना आगे बढ़ जाए, ये टोटल तो यहां से यहां 10 खाना है, लेकिन वो सिर्फ 1 खाना आगे बढ़ जाए तो 0.1 वोल्ट हो गया। और इस प्रकार स्टूडेंट लोगों को क्या करना होता है, बच्चा लोगों को, कि जितना ही ज्यादा खाना बढ़ जाए, जैसे कि 5 खाना बढ़ गया तो हमें इसमें 0.5 का गुणा करना होता है 5 खाने में, तो हो जाएगा 2, ठीक है, 0.1 का गुणा करना होता है, अल्पतमांक का गुणा करेंगे हम तो 0.5 वोल्ट हो गया। अब क्या होता है कभी कभी ये 1 से इधर आकर के 13 पर रुक गया, 13 पर, तो हम क्या करेंगे, तो 1 खाने में 0.1 वोल्ट, तो 13 खाने में, तो 13 × 0.1 अर्थात 1.3 वोल्ट हो जाएगा। इस प्रकार हम क्या करते हैं, वोल्ट मीटर फाइंड करते हैं। तो लैब में एक्सपेरिमेंट करते समय हम हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमारा अल्पतमांक क्या है, क्योंकि उसमें भागों की संख्या लिखा जाता है, ये नहीं कि हम सीधा वोल्ट लिखते हैं। वैसे यहाँ पर एक वोल्ट मीटर है, इसमें 1 खाने के बीच 0 और 1 वोल्ट के बीच 20 खाना है, यहाँ से यहाँ 10 खाना और यहाँ से यहाँ 10 खाना, ये ज्यादा छोटा पैमाना है, ये 20 खाना इसमें है। तो अब 20 खाने को अगर बांटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 वोल्ट, 20 खाने में 1 वोल्ट, तो 1 खाने में कितना वोल्ट, तो ये हो जाएगा 0.05 वोल्ट, इतना कम वोल्टेज हो जाएगा, यानी कि हम इसमें 1 में भागा देंगे 20 खाने का, तो 0.05 वोल्ट हो जाएगा। तो ये इसका अल्पतमांक है, इस प्रकार लैब में फाइंड करते हैं।